सॉर्टिंग डाटा एक वर्कशीट में तकरीबन 17 मिलियन सेल्स हो सकते हैं और एक्सेल आपको इतने बड़े डेटा के साथ काम करने की सलाहियत फराहम करता है अपनी वर्कशीट में डेटा को अल्फाबेटिकली यानी हरूफ तहजी के लिहाज से या न्यूमेरिकली छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे में तरतीब देने को सॉर्टिंग कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स इस लेसन में आप सीख सकेंगे कि वर्कशीट में डेटा की सॉर्टिंग कैसे करते हैं ताकि हमें स्प्रेडशीट या वर्कशीट का कंटेंट देखने में आसानी हो बेसिक सॉर्टिंग वर्कशीट में डेटा की सॉर्टिंग करना एक आम काम है यानी यह काम सबसे ज्यादा या अमूमन किया जाता है एक्सेल में यह काम इन मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है जिनमें अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग िकल शॉर्टिंग शॉर्ट बाई डेट और टाइम कस्टमाइज शॉर्टिंग टू शॉर्ट बाई सेल कलर फॉन्ट कलर और सेल आइकॉन टू सॉर्ट इन एल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी हरूफे तहजी के लिहाज से टैक्स्ट कॉन्टेंट की शॉर्टिंग करना एक सेल को सिलेक्ट करें जिसके हिसाब से आपने शॉर्टिंग करनी हो मसलन किसी वर्कशीट में लास्ट नेम के लिहाज से सॉर्टिंग करना रिबन से डेटा टैब पर जाएं और सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप को तलाश करें सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में असेंडिंग कमांड जिसके साथ ए जेड और डाउन एरो का निशान बना हो को सिलेक्ट करें या डिसेंडिंग कमांड जिसके साथ जेड ए और डाउन एरो का निशान बना हो को सिलेक्ट करें आप देखें कि स्प्रेडशीट में डेटा रूप तहजी या अल्फाबेटिकली तरतीब में आ गया है सॉर्टिंग की ऑप्शन आपको होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड जिसके साथ एजेड और कीफ या फनल का निशान बना हो से भी सिलेक्ट कर सकते हैं टू सॉर्ट इन न्यूमेरिकल ऑर्डर एक सेल को सिलेक्ट करें जिसके हिसाब से आपने सॉर्टिंग करनी हो मसलन किसी वर्कशीट में न्यूमेरिकली लिहाज से सॉर्टिंग करना डेटा टैब से असेंडिंग कमांड को सिलेक्ट करें इस कमांड से आप न्यूमेरिकल डाटा को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी छोटी रकम से बड़ी रकम और बड़ी रकम से छोटी रकम के लिहाज से सॉर्टिंग कर सकते हैं ये देखें स्प्रेडशीट में डेटा न्यूमेरिकली सॉर्ट हो गया है टू सॉर्ट बाय डेट और टाइम एक सेल को सिलेक्ट करें जिसके हिसाब से आपने डेट के लिहाज से सॉर्टिंग करनी हो डेटा टैब से असेंडिंग कमांड को सिलेक्ट करें इस कमांड से आप डेट्स को न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट या ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट के लिहाज से सॉर्टिंग कर सकते हैं ये देखें स्प्रेडशीट में डेटा डेट वाइज सॉर्ट हो गया है कस्टम सॉर्टिंग, टू सॉर्ट इन द ऑर्डर ऑफ योर चूजिंग आप अपने कंटेंट को अपनी मर्जी और जरूरत के लिहाज से कस्टमाइज भी कर सकते हैं मसलन जैसे कि डेज ऑफ वीक यानी हफ्ते के दिनों के लिहाज से या टी शर्ट के छोटे बड़े साइज के लिहाज से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं डाटा टैब से सॉर्ट कमांड पर क्लिक करें आपके सामने सॉर्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा अब इस डायलॉग बॉक्स से सॉर्ट बाय की ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इस कॉलम को सिलेक्ट करें जिसके लिहाज से सॉर्टिंग करनी हो इस एग्जाम्पल में हम टी शर्ट साइज के लिहाज से सॉर्टिंग करेंगे इस बात को यकीनी बनाए कि सॉर्ट ऑन की ऑप्शन में वैल्यूज की ऑप्शन सिलेक्टेड हो इस डायलॉग बॉक्स में सबसे आखिरी ड्रॉप डाउन लिस्ट जिस पर ऑर्डर लिखा है में से कस्टम लिस्ट को मुंतखब करें अब एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल गया इसमें कस्टम लिस्ट की लिस्ट से न्यू लिस्ट को सिलेक्ट करें और लिस्ट एंट्रीज बॉक्स में सॉर्टिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करें मसलन यहां हम टी शर्ट साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के लिहाज से सॉर्टिंग करना चाहते हैं ओके पर क्लिक करें जब आप ओके okay बटन क्लिक करके इस डायलॉग बॉक्स को बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि स्प्रेडशीट में डाटा टी शर्ट के छोटे से बड़े साइज के लिहाज से सॉर्ट हो गया है टू सॉर्ट बाय सेल कलर फॉन्ट कलर और सेल आइकॉन। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए डेटा टैब में मौजूद सॉर्ट कमांड पर क्लिक करें अब इस डायलॉग बॉक्स से सॉर्ट बाय की ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इस कॉलम को सेलेक्ट करें जिसके लिहाज से सॉर्टिंग करनी हो इस एग्जाम्पल में हम टी शर्ट साइज के लिहाज से सॉर्टिंग करेंगे अब सॉर्ट ऑन लिस्ट में मुंतखब करें कि आपने फॉन्ट कलर सेल कलर या सेल आइकॉन में से किस ऑप्शन के लिहाज से सॉर्टिंग करनी है हम यहाँ फॉन्ट कलर को सेलेक्ट करते हैं ऑर्डर लिस्ट से कलर सेलेक्ट करें और ये फैसला करें कि आया आपने सेलेक्टेड कलर वाले सेल अपनी स्प्रेडशीट में ऊपर दिखाने हैं या स्प्रेडशीट में नीचे दिखाने हैं ओके okay बटन को क्लिक करके डायलॉग बॉक्स बंद करें और देखें कि आपका डाटा रंग के लिहाज से सॉर्ट या मुरतब हो गया है फिल्टरिंग डाटा डाटा की फिल्टरिंग से आप वर्कशीट के कंटेंट को फिल्टर करके डाउन या कम कर लेते हैं ताकि हमें अपनी जरूरत और मर्जी का कंटेंट नजर आए जबकि बाकी कंटेंट भी वर्कशीट में रहे मगर हाइट या ओछल हो जाए डाटा फिल्ट्रेशन को समझने के लिए हम यहाँ एक मिसाल लेते हैं जिसमें हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी के एक्विपमेंट लॉग का कंटेंट जेर बहस लाएंगे और हम सिर्फ उन लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स की तफसील दिखाएंगे जो चेकआउट के लिए तैयार हैं यहाँ हमने ऐसी वर्कशीट की मिसाल दी है जिसमें हर कॉलम की एक हेडर रो है रिबन में डेटा टैब पर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाएं। यहां से फिल्टर कमांड को सेलेक्ट करें आप देखेंगे कि हर कॉलम के हेडर पर एक ड्रॉपडाउन एरो नजर आना शुरू हो गया है आप जिस कॉलम के डाटा को फिल्टर करना हो उसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें इस मिसाल में हम टाइप वाले कॉलम को फिल्टर करेंगे ताकि हमें मखसूस इक्विपमेंट की टाइप या किस्म के लिहाज से फ़िल्टर्ड डेटा नजर आए ये आपके सामने फिल्टर मेन्यू जाहिर हो गया है अब चूंकि हम सिर्फ लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स की डिटेल देखना चाहते हैं तो हम इस मेन्यू में सिर्फ लैपटॉप और प्रोजेक्टर्स के बॉक्सेस को चेक या क्लिक करेंगे बाकी इक्विपमेंट्स को अनचेक रहने देंगे ओके okay पर क्लिक करें वर्कशीट का डाटा फिल्टर हो गया है और बाकी इक्विपमेंट की डिटेल या डाटा आरजी तौर पर हिडन या ओझल हो गया है और सिर्फ लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स का डाटा हमें वर्कशीट पर नजर आ रहा है फिल्टरिंग की कमांड आपको होम टैब में भी नजर आएगी और ये भी उसी तरह डाटा की फिल्टरिंग करेगी टू ऐड अनदर फिल्टर आप एक वक्त में किसी वर्कशीट में एक से ज्यादा फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपका डाटा मजीद फिल्टर होकर नजर आएगा मसलन अभी पहले हमने जो मिसाल ली इसमें एक और फिल्टर का इजाफा करके देखती हैं हम इसमें ये फिल्टर ऐड करते हैं कि जो लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स अगस्त के महीने में चेकआउट या बेचे गए थे उनका डाटा हमें नजर आए अब इस फिल्टर्ड डेटा में चेकआउट के कॉलम के ऊपर जो ड्रॉपडाउन एरो नजर आ रहा है इसको क्लिक करें आपके सामने फिल्टर मेन्यू आ जाएगा इस मेन्यू में चूंकि डेटा टाइम किस्म का कंटेंट है इसलिए इसके ऑप्शंस में आपको डेट एंड टाइम या महीने के लिहाज से ही ऑप्शन नजर आएंगी अब इस मेन्यू से सिर्फ अगस्त को चेक रहने दें बाकी महीनों को अनचेक कर दें ओके okay बटन को क्लिक करें ये देखें एक फिल्टर इस वर्कशीट पर पहले ही अप्लाई था लेकिन अब एक और फिल्टर इस डेटा पर लागू हो गया है अब आपको सिर्फ अगस्त के महीने में चेकआउट होने वाले लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स नजर आ रहे हैं टू क्लियर अ फिल्टर जिस कॉलम से फिल्टर क्लियर करना हो उसके ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें यहां ऊपर आपको क्लियर फिल्टर फ्रॉम की ऑप्शन नजर आ रही है इस पर क्लिक करें ये देखें इस कॉलम से फिल्टर क्लियर या खत्म हो गया और आपको अब डेटा कुछ मुख्तलिफ तरह से नजर आ रहा है एडवांस फिल्टरिंग एक्सेल में आप एडवांस फिल्टरिंग के जरिए किसी खास लफ्स खास डेट या खास नंबर के लिहाज से भी फिल्टर करके डेटा को सर्च कर सकते हैं मिसाल के तौर पर आप खास किस्म के ब्रांड को फिल्टर करके वर्कशीट में दिखा सकते हैं डेटा टैब से फिल्टर की कमांड पर क्लिक करें अब इस कॉलम के ड्रॉपडाउन एरो को क्लिक करें जिसे आप फिल्टर करना चाहते हैं यहाँ हम एक खास किस्म के लैपटॉप को दिखाना चाहते हैं जिनका ब्रांड नेम सारिस हो हम यहाँ इस सर्च बॉक्स में सारिस लिखेंगे ताकि हमें सिर्फ सारिस ब्रांड के इक्विपमेंट्स ही नजर आए जैसे ही हम सारिस लिखेंगे हमें नीचे सारे ब्रांड की इक्विपमेंट्स नजर आने लगेंगी हम सिलेक्ट ऑल सर्च रिजल्ट्स की ऑप्शन को चेक कर देते हैं ओके okay बटन प्रेस किया और ये देखें वर्कशीट में सिर्फ ब्रांड की इक्विपमेंट्स नजर आ रही हैं यूजिंग एडवांस्ड टेक्स्ट फिल्टर्स। एडवांस्ड टेक्स्ट फिल्टर से आप मजीद स्पेसिफिक सर्च कर सकते हैं मिसाल के तौर पर ऐसे सेल्स को सर्च करना जिनमें वो टेक्स्ट ना हो जो आप सर्च कर रहे हों। हम इस मिसाल में इन सेल्स को हाइड करेंगे जिनमें कैमरा डिजिटल कैमरा या कैमकॉर्डर के अल्फाज हों डेटा टैब से फिल्टर कमांड पर जाएं। अब इस कॉलम के ड्रॉप डाउन को क्लिक करें जिसका टेक्स्ट आपने फिल्टर करना हो इस मिसाल में हम इक्विपमेंट डिटेल वाले कॉलम के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे क्योंकि इस कॉलम में तमाम इक्विपमेंट्स की डिटेल्स दर्ज हैं फिल्टर मेन्यू से टेक्स्ट फिल्टर्स को सिलेक्ट करें ये आपके सामने एडवांस्ड टेक्स्ट फिल्टर मेन्यू आ गया है इस मेन्यू से एक फिल्टर सिलेक्ट करें इस मिसाल में हमने डज नॉट कॉन्टेन फिल्टर को मंतखब किया है कस्टम ऑटोफिल्टर डायलॉग बॉक्स खुल गया है इस डायलॉग बॉक्स में दाएं जानब कैम का लफ्ज लिखें इसका मतलब यह है कि आपको वो रिजल्ट्स या डेटा दिखाए जिनमें कैम का लफ्ज ना हो जैसे डिजी कैम प्रिंटर कैमरा डिजिटल कैमरा वगैरह ओके okay को क्लिक करें और इसके नतीजे में रिजल्ट देखें यूजिंग एडवांस्ड डेट फिल्टर्स एडवांस्ड डेट फिल्टर से आप एक खास टाइम पीरियड जैसे कि लास्ट ईयर नेक्स्ट क्वार्टर या दो तारीखों के दरमियान का अरसा ऐसे फिल्टर्स आप अपने डेटा पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक्सेल को आपकी क्रंट डेट और टाइम का पता होता है डेटा टैब से फिल्टर कमांड पर जाएं। अब इस कॉलम के डाउन को क्लिक करें जिसकी डेट आपने फिल्टर करना हो इस मिसाल में हम चेकट आउट वाले कॉलम के ड्रॉपडाउन एरो को क्लिक करेंगे क्योंकि इस कॉलम में तमाम इक्विपमेंट्स की चेकआउट डेट्स दर्ज हैं फिल्टर मेन्यू से डेट फिल्टर्स को सिलेक्ट करें यह आपके सामने एडवांस डेट फिल्टर मेन्यू आ गया है इस मेन्यू से एक फिल्टर सिलेक्ट करें इस मिसाल में हमने दिस वीक फिल्टर को मुंतखब किया है आपकी वर्कशीट का कॉन्टेंट डेट वाइज फिल्टर हो गया है यूजिंग एडवांस्ड नंबर फिल्टर्स इस फिल्टर ऑप्शन से आप अपने डाटा को मुख्तलिफ तरीकों से मैनिपुलेट कर सकते हैं मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्स ग्रेड की वर्कशीट पर आप हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर्स का डाटा देख सकते हैं वगैरह यहां हम इस मिसाल में इक्विपमेंट आईडी के लिहाज से डाटा को फिल्टर करेंगे डाटा टैब से फिल्टर कमांड पर जाएं। अब इस कॉलम के ड्रॉप डाउन को क्लिक करें जिसके नंबर्स आपने फिल्टर करना हो इस मिसाल में हम आई नंबर वाले कॉलम के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे क्योंकि इस कॉलम में तमाम इक्विपमेंट के आई नंबर्स दर्ज हैं फिल्टर मेन्यू से नंबर फिल्टर्स को सिलेक्ट करें ये आपके सामने एडवांस नंबर फिल्टर मेन्यू आ गया है इस मेन्यू से एक फिल्टर सिलेक्ट करें इस मिसाल में हमने बिटवीन को मुंतखब किया है ताकि हम जो आईडी नंबर इस फिल्टर में देंगे बिटवीन को सिलेक्ट करते ही कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा इस डायलॉग बॉक्स में ताई जानब हम आईडी नंबर्स की एक रेंज देंगे कि हमें इसी रेंज के आईडी नंबर्स वाले इक्विपमेंट की डिटेल दिखाएँ मसलन हम यहाँ कहते हैं कि हम आईडी नंबर तीन हजार से बड़े और आईडी नंबर चार हजार से कम वाले इक्विपमेंट की तफसील दिखाए ओके okay बटन क्लिक करें और ये देखें डाटा इन नंबर्स के लिहाज से फिल्टर हो गया है जो आपने स्पेसिफाई किए थे फॉर्मेटिंग टेबल्स जब आप अपनी स्प्रेडशीट में डाटा या इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं तो उसके बाद आप उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं फॉर्मेटिंग से ना सिर्फ आपकी स्प्रेडशीट की शक्ल सूरत तब्दील होती है बल्कि देखने में बेहतर लगती है और इसका इस्तेमाल भी आसान हो जाता है इससे पेशतर हम फॉर्मेटिंग जैसे कि बोल्ड इटैलिक्स वगैरह के बारे में सीख चुके हैं लेकिन अब आप टेबल फॉर्मेटिंग और पहले से मुहैया करदा टेबल स्टाइल्स के बारे में सीखेंगे टेबल्स फॉर्मेटिंग का तरीकाकार सबसे पहले अपनी स्प्रेडशीट में मौजूद डेटा या इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट या हाईलाइट करें इसके बाद आप होम टैब में मौजूद फॉर्मेट एज टेबल के आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं इस आइकन पर क्लिक करने या आइकन पर मौजूद हेड पर क्लिक करने पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया है इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल स्टाइल्स देख रहे हैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को रंगों के लिहाज से तीन मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है जैसा कि लाइट मीडियम डार्क आप हसब ज़रूरत कोई सा भी स्टाइल मुंतखब कर सकते हैं जो ही आप कोई भी स्टाइल सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर होगा जिसमें वो आपसे सेल रेंज पूछेगा अगर आपने अपने डाटा या इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट या हाईलाइट किया हुआ है तो इसमें वही सेल रेंज जाहिर होगी आपको किसी किस्म की तब्दीली की जरूरत नहीं और अगर आपने पहले अपने डाटा या इंफॉर्मेशन को हाईलाइट नहीं किया हुआ तो आपको लाजमन सेल रेंज देना होगी इसके अलावा आपको एक चेकबॉक्स नजर आ रहा है जिसके साथ लिखा हुआ है माई टेबल हैज हेडर्स इसका मतलब है कि आपके डाटा कॉलम्स का टाइटल या हेडिंग है या नहीं अगर टाइटल या हेडिंग मौजूद हैं तो इस ऑप्शन को चेक रहने दें आपके इस्तेमालशुदा टाइटल या हेडिंग पर फिल्टर की ऑप्शन लग जाएगी और अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो आपके टाइटल या हेडिंग की बजाय कॉलम वन कॉलम टू जाहिर होंगे और उन पर फिल्टर लग जाएंगे आपके कॉलम्स के हर टाइटल या हेडिंग के साथ एक एरोड जाहिर होता है जिसके जरिए आपको ड्रॉप डाउन की सहूलत मुहैया की गई है और इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी स्प्रेडशीट को फिल्टर या सॉर्ट कर सकते हैं मॉडिफाइंग टेबल्स टू एड रोस एंड कॉलम्स अगर आप अपने टेबल की रोज या कॉलम्स में इजाफा करना चाहते हैं तो अपने टेबल के किसी भी सेल को सेलेक्ट करें डिजाइन टैब खुद ब खुद जाहिर हो जाएगा इसमें से री टेबल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स होगा जो आपसे न्यू सेल रेंज को सिलेक्ट करने की ऑप्शन देगा आइए इससे हम अपने टेबल की रोज या कॉलम्स में इजाफा करें हम सेल रेंज के बारे में तफसील से जान लें लिखी गई सेल रेंज का मतलब ये है कि हमेशा बराबर या इक्वल साइन के निशान से शुरू होगा इक्वल साइन के बाद डॉलर साइन आएगा इसके बाद कॉलम का नाम इसके बाद फिर डॉलर साइन आएगा इसके बाद रो नंबर आएगा इसके बाद कॉलन लिखा जाता है इसके बाद टेबल के आखिरी कॉलम का नाम और रो नंबर लिखा जाता है बिल्कुल उसी तरह जैसा कि हमने पहले लिखा था अब आप सेल रेंज देकर अपने टेबल की रोज और कॉलम्स में इजाफा कर सकते हैं टू चेंज द टेबल स्टाइल अपने टेबल में से किसी भी सेल को सिलेक्ट करें डिजाइन टैब tab में टेबल स्टाइल्स की ऑप्शन नजर आ रही है इनमें कोई भी स्टाइल मुंतब किया जा सकता है इसके अलावा एरो हेड को सिलेक्ट करके मजीद स्टाइल्स को देखा जा सकता है यूजिंग टेम्पलेट्स। एक्सेल 2010 में पहले से बने हुए वर्कशीट टेम्पलेट्स होते हैं जिनके जरिए आप अपने काम को आसान बनाते हुए बहुत सा वक्त बचा सकते हैं टेम्पलेट एक बाय डिफॉल्ट कलर कॉम्बिनेशन के साथ मुख्तलिफ अफेक्ट्स फॉन्ट्स और सेटिंग्स का मजमुआ होता है टू क्रिएट अ न्यू वर्क बुक यूजिंग अ टेम्पलेट। फाइल टैब से बैकस्टेज व्यू में जाएं न्यू को सिलेक्ट करें ये पहले से दस्तियाब टेम्पलेट्स का पैन सामने खुल गया है यहाँ से सैंपल टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करें सैम्पल टेम्पलेट्स के थम नेल व्यू आपको नजर आ रही हैं और हर थम नेल का बड़ा व्यू आपको स्क्रीन के दाएं जानेब नजर आ रहा है अपनी मर्जी का टेम्पलेट मुंतखब करें क्रिएट का बटन प्रेस करें एक नई वर्कबुक इसी टेम्पलेट डिजाइन की बनी हुई आपके सामने खुल जाएगी जिसे आपने अभी टेम्पलेट मैन्यू से सेलेक्ट किया था बाय डिफॉल्ट आपको एक्सेल में ये टेम्पलेट्स मिलेंगे आप इन टेम्पलेट्स के अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से मजीद टेम्पलेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं बिलिंग स्टेटमेंट ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर ट्रैकर एक्सपेंस रिपोर्ट लोन एमोर्टिजेशन पर्सनल मंथली बजट सेल्स रिपोर्ट टाइम कार्ड चार्ट्स क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट चार्ट एक ऐसा टूल होता है जिसके जरिए हम अपने डेटा को ग्राफिकली दिखा सकते हैं एक्सेल में चार्ट्स के जरिए आप अपने ऑडियंस को नंबर्स और फिगर्स के पर्शीदा मतलब और उनमें मवाज़ना करवा सकते हैं सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा चार्ट्स के मुख्तलिफ एग्जाम के बारे में बताते हैं कॉलम चार्ट पाई चार्ट, चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, चार्ट, ये तमाम किस्म के चार्ट आपको एक्सेल में मयसर हैं और इन्हें आप अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं अब चार्ट के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में आपको बताते हैं टाइटल ऑफ द चार्ट यानी चार्ट का टाइटल वर्टिकल एक्सेस या अमूदी महवर इसको आमतौर पर वाई एक्सिस का नाम भी दिया जाता है डेटा सीरीज ये हिस्सा आपके चार्ट में मौजूद डेटा पॉइंट को जाहिर करता है लेजेंड इसमें आप अपने चार्ट में दिए गए डेटा के बारे में कुछ अहम मालूम लिखते हैं और यह आमतौर पर उफकी महवर या एक्स एक्सिस के बारे में होता है कि कौन सा डेटा किस कैटेगरी में आता है और चार्ट में क्या स्केल इस्तेमाल किया गया है वगैरह अब हम आपको बताते हैं कि वर्कशीट में चार्ट किस तरह क्रिएट करते हैं इसके लिए हम इंसर्ट के टैब पर क्लिक करते हैं इंसर्ट के टैब में हमें चार्ट्स का ग्रुप नजर आ रहा है इसमें हमें चार्ट्स की ऑप्शंस नजर आ रही हैं इनमें कॉलम लाइन पाई बार एरिया स्कैटर और अदर चार्ट्स की ऑप्शंस नजर आ रही हैं जब आप इन चार्ट्स में से किसी पर भी क्लिक करें तो एक और मेन्यू खुल जाता है जिसमें चार्ट की सेलेक्ट ऑप्शन से मुतक मुख्तलिफ स्टाइल नजर आ रही हैं इन स्टाइल ऑप्शन में से अपनी जरूरत के मुताबिक कोई सा स्टाइल सेलेक्ट करें आपका मतलूबा चार्ट इंसर्ट हो गया है क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स बार चार्ट पाई चार्ट एक्सेट्रा अब हम आपको बताते हैं कि आप वर्कशीट में मुख्तलिफ चार्ट्स, मसलन बार चार्ट पाई चार्ट वगैरह किस तरह क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए हम इंसर्ट के टैब में से चार्ट की कमांड पर क्लिक करके एक चार्ट बनाते हैं और अगर हम इस चार्ट के टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करते हैं राइट क्लिक करने से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है इस डायलॉग बॉक्स में से हम चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं ऐसा करने से हमारे सामने मुख्तलिफ चार्ट्स टाइप आ गई हैं मसलन कॉलम बार लाइन पाई चार्ट वगैरह आप इसमें से जो चाहें वो टाइप सिलेक्ट करें और ओके के बटन पर क्लिक कर दें मसलन हम इसमें से पाई चार्ट पर क्लिक करते हैं ये देखिए चार्ट पर क्लिक करने से बार चार्ट तब्दील होकर पाई चार्ट हो गया है इस तरह हम हाँ के चार्ट्स वर्कशीट में बना सकते हैं रिव्यूइंग एंड शेयरिंग अगर आपसे कोई कहे कि आपने वर्कशीट को प्रूफ रीड करना है और अगर आपके पास वर्कशीट की हार्ड कॉपी है तो आप शायद रेड पेन के साथ सेल्स को हाईलाइट करें स्पेलिंग मिस्टेक्स को मार्क करें और साइड मार्जिन में कॉमेंट्स दें तमाम काम एक्सेल के फीचर ट्रैक चेंजेस एंड कमेंट्स के जरिए किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स इस लेसन में आप सीखेंगे कि ट्रैक चेंजेस कैसे करते हैं कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं एक वर्कशीट की दो मुख्तलिफ वर्जन्स का मुआजना या कंपैरिजन कैसे करते हैं स्पेलिंग्स कैसे चेक करते हैं वर्कशीट की फाइनल वर्जन कैसे शेयर करते हैं अबाउट ट्रैक changes जब आप ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो वर्कशीट में की जाने वाली चेंजेस एक खास बॉर्डर के साथ हाईलाइट होती जाती हैं और जब आप हाइलाइटेड सेल पर माउस हावर करते हैं तो इस सेल पर की जाने वाली चेंजेस की तफसील डिस्प्ले हो जाती है इसका फायदा यह है कि जब कोई दूसरा आपकी वर्कशीट को पढ़ता है तो उसको आसानी से वर्कशीट में की जाने वाली चेंजेस का पता चल जाता है टू टर्न ऑन ट्रैक चेंजेस रिव्यू टैब में जाए चेंजेस ग्रुप में ट्रैक चेंज को क्लिक करें इस ड्रॉपडाउन मेन्यू से हाईलाइट चेंजेस को सेलेक्ट करें ये आपके सामने हाईलाइट चेंजेस का डायलॉग बॉक्स आ गया है ट्रैक चेंजेस वाइल एडिटिंग के बॉक्स को चेक करें इस बात की तस्दीक करें कि हाईलाइट चेंजेस ऑन स्क्रीन का चेकबॉक्स चेक्ड हो इससे आप जो चेंजेस वर्कशीट में करते जाएंगे वो हाईलाइट होती जाएंगी ओके okay को क्लिक करें अब ट्रैकिंग ऑन है आप नोट करें कि जो भी चेंजेस इस वर्कशीट में की जा रही हैं वो एक मखसूस बॉर्डर के साथ हाईलाइट होती जा रही हैं टू टर्न ऑफ ट्रैक चेंजेस रिव्यू टैब में जाएं, चेंजेस ग्रुप में ट्रैक चेंज को क्लिक करें इस ड्रॉपडाउन मेन्यू से हाईलाइट चेंजेस को सिलेक्ट करें ट्रैक चेंजेस वाइल एडिटिंग के चेकबॉक्स को अनचेक करें ओके बटन क्लिक करें और इस तरह आपकी वर्कशीट की ट्रैकिंग स्टॉप हो जाएगी टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस रिव्यू टैब से ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक करें इस डाउन मेन्यू से एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस को सिलेक्ट करें अब निशानदही करें कि आपने किन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है और किन को रिजेक्ट करना है इस मिसाल में हम उन तमाम चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे जिन्हें अभी तक हमने रिव्यू नहीं किया ओके okay पर क्लिक करें एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है वर्कशीट में जो भी चेंजेस की हैं उन्हें यहां से आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते जाए एडिंग एंड डिलीटिंग कमेंट्स वर्कशीट में कमेंट्स ऐड करने का मकसद वर्कशीट के डाटा या कंटेंट के बारे में अपनी आरा देना है ये कमेंट आप अपनी याद दिखाने के लिए भी लगाते हैं कमेंट्स का एक और इस्तेमाल ये भी है कि इनके जरिए आप डेटा की इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं टू एड अ कमेंट जिस सेल के साथ कमेंट का इजाफा करना हो उसको सिलेक्ट करें रिव्यू टैब से न्यू कमेंट की कमांड को क्लिक करें ये देखें इस सिलेक्टेड सेल के साथ एक इजाफी टेक्स्ट बॉक्स जिसे कमेंट बॉक्स भी कहते हैं नजर आ रहा है इस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप करें ये देखें इस सेल के अपर राइट कॉर्नर पर एक सुर्ख रंग का इंडिकेटर नजर आ रहा है इस इंडिकेटर का मतलब होता है कि रीडर को ये पता चल सके कि इस सेल में कमेंट ऐड किया गया है इस सेल पर माउस हावर करके आप कमेंट देख सकते हैं टू तो एडिट ए कमेंट जिस सेल के साथ कमेंट हो उसको सिलेक्ट करें रिव्यू टैब से एडिट कमेंट कमांड पर क्लिक करें अब आप कमेंट को एडिट कर सकते हैं टू शो और हाइड कमेंट्स जिस सेल के साथ कमेंट हो उसको सेलेक्ट करें रिव्यू टैब से शो हाइड कमेंट कमांड पर क्लिक करें टू डिलीट अ कमेंट जिस सेल के साथ कमेंट हो उसको सिलेक्ट करें रिव्यू टैब में कमेंट्स ग्रुप में डिलीट की कमांड पर क्लिक करें ये देखें कमेंट डिलीट हो गया है फाइनलाइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग योर वर्कबुक। जब आप एक वर्कबुक किसी को रीड करने या किसी को सेंड करने लगें, तो उससे पहले एक बार फाइनल अपनी वर्कशीट को देख लें एक्सेल में आपके पास सहूलत है कि आप स्पेलिंग्स एरर को दुरुस्त और अपनी वर्कबुक की इन्फॉर्मेशन को दूसरों से हाइड कर सकते हैं टू चेक स्पेलिंग जिन सेल्स के स्पेलिंग्स चेक करने हो, उनको सिलेक्ट करें रिव्यू टैब से स्पेलिंग कमांड को क्लिक करें स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इस डायलॉग बॉक्स से आप स्पेलिंग एरर को रिव्यू और एडिट यानी ठीक कर सकते हैं टू यूज द डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर बैकस्टेज व्यू से इन्फो को क्लिक करें चेक फॉर इश्यू चेक फॉर इश्यू बटन को क्लिक करें एक ड्रॉपडाउन मेन्यू खुल जाएगा इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा ले जाते ही उसकी शकल बॉक्स में उन चेकबॉक्सेस को चेक करें जिनका आपने मुआयना करना है इंस्पेक्ट बटन क्लिक करें डॉक्यूमेंट या वर्कबुक इंस्पेक्ट होने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां आप इंस्पेक्ट रिजल्ट को रिव्यू कर सकते हैं प्रोटेक्टिंग योर वर्कबुक एक्सेल में बाय डिफॉल्ट आपकी वर्कबुक कोई भी एक्सेस करके उसमें डाटा को कॉपी एडिट और डिलीट कर सकता है जब तक कि आप इस वर्कबुक को प्रोटेक्ट या महफूज न कर लें अब हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कैसे करना है टू प्रोटेक्ट योर वर्कबुक फाइल टैब से बैकस्टेज व्यू में जाएं। जाए पैन से प्रोटेक्ट वर्कबुक की कमांड को क्लिक करें अब यहां से अपनी मर्जी की ऑप्शन को सिलेक्ट करें यहां आपके पास ये ऑप्शंस हैं कैस फाइनल आपकी वर्कबुक फाइनल हो जाएगी लेकिन ओनली होगी यानी इसमें डाटा एडिट नहीं होगा एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। वर्कबुक पर पासवर्ड लगाने के लिए प्रोटेक्ट आपकी मौजूदा वर्कशीट जिसे आपने खोला हो सिर्फ वही प्रोटेक्ट होगी प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर इससे आपकी वर्कबुक का स्ट्रक्चर या तंजीमी ढांचा महफूज होगा यानी आपकी वर्कबुक में वर्कशीट्स वगैरह का इजाफा नहीं हो सकेगा रिस्ट्रिक्ट परमिशन बाय पीपल इस ऑप्शन से आप बाकी लोगों को ये सहूलत देते हैं कि वो इस वर्कबुक में किए गए अपने काम को प्रोटेक्ट कर सकें एड अ डिजिटल सिग्नेचर इस ऑप्शन से आप अपनी वर्कबुक को डिजिटली महफूज कर लेते हैं यानी जैसे डिजिटल सिग्नेचर की पाबंदी लगाकर आप वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई ऐसी वर्कबुक को ओपन करेगा तो पहले थम इम्प्रेशन या डिजिटल सिग्नेचर देगा तो ये वर्कबुक ओपन होगी कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके okay का बटन क्लिक करें एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इसको भी ओके okay करके कंफर्म करें यूजिंग कंडीशनल फॉर्मैटिंग इंट्रोडक्शन फर्ज करें कि आपकी स्प्रेडशीट में हजारों रोज हैं इतनी ज्यादा रोज में देखते हुए आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि डाटा को एनालाइज किया जाए अगर आपकी स्प्रेडशीट में सेल्स का डाटा है और आप चाहते हैं कि एक मखसूस प्रोडक्ट या कीमत वाला डाटा नुमाया तौर पर नजर आए या आपकी स्प्रेडशीट में अकाउंटिंग या स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको आप नुमाया करके देखना चाहते हैं तो आपको कंडीशनर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस फॉर्मेटिंग को कंडीशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली क्वेरीज का इस्तेमाल कंडीशनल होता है जैसे आप एक वैल्यू को बुनियाद बनाकर उससे बड़ी वैल्यू या उससे छोटी वैल्यू या उसके बराबर वैल्यू के लिहाज से फॉर्मैटिंग करते हैं तरीका कार प्रोसेस सबसे पहले अपनी स्प्रेडशीट को सिलेक्ट या हाईलाइट करें उसके बाद होम टैब में कंडीशनर फॉर्मैटिंग के आइकन या आइकन पर मौजूद एरो हेड पर क्लिक करें एक ड्रॉपडाउन मेन्यू आपके सामने आएगा उसमें मुंदरजा जैल ऑप्शन मौजूद होंगी हाईलाइट सेल्स रूल टॉप बॉटम रूल्स डेटा बार्स कलर स्केल्स आईकन सेट्स न्यू रूल क्लियर रूल्स मैनेज रूल्स आइए एक एक करके इन तमाम ऑप्शन के बारे में देखते हैं हाईलाइट सेल्स रूल्स हाईलाइट सेल रूल्स में मजीद सब मेन्यू है जिसमें मुंदरजा जैल ऑप्शन मौजूद हैं ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन इक्वल टू टेक्सड कॉन्टेंडेट ंग डुप्लीकेट वैल्यूज मोर रूल्स ग्रेटर देन इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें पहली ऑप्शन ये है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन इसमें एक वैल्यू लिखी हुई नजर आएगी जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं ये वैल्यू जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक लिखेंगे इससे बड़ी तमाम वैल्यूज़ हाईलाइट हो जाएंगी इसके साथ ही एक ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है हेड पर प्रेस करने से तमाम मुहैया करदा ऑप्शंस नज़र आएंगी यानी आप हाईलाइट के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई स्टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं यूं आपकी मुंतखब करदा वैल्यू से बड़ी तमाम वैल्यूज़ आपके मंतखब करदा रंग के साथ हाईलाइट हो जाएंगी लेस दैन ये ऑप्शन भी ग्रेटर दैन की तरह काम करती है फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपकी मुंतखब करदा वैल्यू से छोटी वैल्यूज को हाईलाइट करती है बिटवीन इसमें आपको दो वैल्यूज का इंतखब करना होता है छोटी और बड़ी और वो तमाम वैल्यूज जो इन दो वैल्यूज के दरमियान होती हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं इक्वल टू इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा जिसमें आपको एक वैल्यू लिखनी होगी इस वैल्यू के बराबर वो तमाम वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी जो आपकी स्प्रेडशीट में मौजूद हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स। जैसा कि इस ऑप्शन का नाम है इससे साफ जाहिर होता है कि उन सेल्स को हाईलाइट करो जिसमें आपका लिखा हुआ लफ्ज या अल्फाज हैं अडेट अक्रिंग इस ऑप्शन के जरिए आप एक मखसूस दिन हफ्ते महीने के लिहाज से अपनी स्प्रेडशीट को हाईलाइट कर सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज इस ऑप्शन के जरिए आप अपनी तमाम स्प्रेडशीट में मौजूद डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं और इसी ऑप्शन में आपको यूनिक वैल्यूज के लिहाज से भी अपनी स्प्रेडशीट को हाईलाइट कर सकते हैं टॉप बॉटम रूल्स इस ऑप्शन को क्लिक करने से एक सब मेन्यू जाहिर होता है जिसमें मुंदरजा जैल ऑप्शन टेन परसेंट अब एवरेज बिलो एवरेज आइए सबसे पहले टॉप टेन आइटम्स के बारे में देखते हैं टॉप टेन आइटम्स इस ऑप्शन को क्लिक करने से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा इस पर लिखा होगा फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक्स इन द टॉप पहले ड्रॉपडाउन में आपको डिफॉल्ट वैल्यू लिखी नजर आ रही होगी जो कि 10 है क्योंकि इस ऑप्शन का नाम ही टॉप 10 आइटम्स है इसलिए आपको ये 10 की वैल्यू नजर आ रही है लेकिन आप इसको अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं इसके बाद वाले डाउन में आप अपनी मर्जी का रंग मुंतखब कर सकते हैं इस ऑप्शन के इस्तेमाल से आपकी स्प्रेडशीट में मौजूद टॉप टेन वैल्यूज आपके मुंतब करदा रंग से हाईलाइट हो जाएंगी और आप बासानी टॉप टेन वैल्यूज को देख सकते हैं टॉप टेन परसेंट ये ऑप्शन भी पिछली ऑप्शन की तरह है लेकिन इसके इस्तेमाल से शरा फीसद के एतबार से वैल्यूज को हाईलाइट किया जाता है इसको सेलेक्ट करने पर भी आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू दस ही है लेकिन ये दस फीसद है इसको भी आप अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं बॉटम टेन आइटम्स ये ऑप्शन टॉप टेन आइटम्स के बरक्स ऑप्शन है यानी इसमें सबसे छोटी वैल्यू दस को हाईलाइट किया जाता है इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करने से आपके सामने डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 10 ही होती है जिसे आप अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं ये ऑप्शन टॉप 10% परसेंट की मुखालिफ ऑप्शन है यानी इसको सेलेक्ट करने पर 10 फीसद के लिहाज से छोटी वैल्यूज जाहिर होंगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रीसेट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत से प्रीसेट्स हैं इनमें बार्स और कलर स्केल्स और आइकॉन सेट्स शामिल हैं इनके इस्तेमाल से आप स्प्रेडशीट में मौजूद वैल्यूज को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में मुख्तलिफ रंगों और ग्रेडियंट और आइकन्स के साथ जाहिर कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेकेंड लास्ट ऑप्शन क्लियर रूल्स है जिसके जरिए आप अपनी स्प्रेडशीट पर अप्लाईड तमाम रूल्स को साफ या खत्म कर सकते हैं क्रिएटिंग पिवट टेबल्स जब हम स्प्रेडशीट में बहुत ज्यादा डेटा एंटर कर लेते हैं तो उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना और उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना निस्बतन मुश्किल हो जाता है तो इस तरह के सिचुएशन में स्प्रेडशीट के एक बहुत कारगरमद फीचर पिवट टेबल को इस्तेमाल किया जाता है हमने इस स्प्रेडशीट में एक कंपनी की तमाम प्रोडक्ट्स की सेल्स के आदाद और शुमार को एंटर किया है अगर हम इस डेटा से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं जैसा कि हर प्रोडक्ट की रीजन वाइज टोटल सेल के बारे में मालूम करें या हम ये जानना चाहते हो कि कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा सेल हुई है या फिर ये मालूम करना हो किस सेल्स पर्सन ने बेहतरीन कारकरी दिखाई है इस किस्म के तमाम सवालों के जवाब हम टेबल से हासिल कर सकते हैं ये एक ऐसा इंटरैक्टिव टेबल है जो डेटा को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट, ऑर्गेनाइज और सिमराइज करता है इस वक्त जो वर्कशीट आप देख रही हैं इसके पहले कॉलम में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के नाम एंटर किए हैं इसी वर्कशीट के दूसरे कॉलम में हमने इन एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट्स एंटर किए हैं अब अगर हमें यह मालूम करना हो कि कौन सा डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉइज को टोटल कितना पे कर रहा है तो इसका फॉर्मूला बहुत लेंथी और मुश्किल हो जाएगा इस मुश्किल से बचने के लिए हम इस डाटा का पिवट टेबल बनाते हैं आप जो एम्प्लॉयज की सैलरी शीट इस वक्त देख रहे हैं हम इसका पिवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब में से पिवट टेबल को क्लिक करते हैं अब हमें क्रिएट पिवट टेबल करने का मेन्यू दिखाई दे रहा है इसमें हमें ये बताना है कि जिस डेटा का पिवट क्रिएट करना है इसको कहाँ से ऐड करना है यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से किसी एक्सटर्नल सोर्स से या फिर वर्कशीट से डेटा को कलेक्ट करना है इस स्टेप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहले से ही सिलेक्टेड है और हमने भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डाटा को इस्तेमाल करना है पेवट टेबल के दूसरे स्टेप में हमने ये बताना है कि इस पेविट टेबल की रिपोर्ट को इसी वर्कशीट में दिखाना है या किसी और वर्कशीट में डिस्प्ले करवाना है यानी हम लोकेशन के बारे में बताते हैं हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमने न्यू वर्कशीट में क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में पिवट टेबल को क्रिएट करना है हम यहाँ से न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं और फिर पेविट टेबल को क्रिएट करने के लिए ओके okay के बटन आरोप क्लिक करते हैं लेकिन ये क्या हमें pivot table की ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं यहाँ हमने ये बताना है की पिवट टेबल के रो कॉलम और डेटा फील्ड में कौन से कॉलम को एंटर करना है इसके अलावा हमें इस स्क्रीन के दाएं जानेब एक विंडो में जो कॉलम्स हमने सेलेक्ट किए थे उनकी हेडिंग भी नजर आ रही हैं हमने इनको चेक बॉक्स से चेक करके टेबल में ऐड करना है इस एग्जाम्पल में हमने डिपार्टमेंट वाइज सैलरी को कैलकुलेट करना है इसलिए फील्ड लिस्ट में हम डिपार्टमेंट को चेक करेंगे ये देखें हमने वर्कशीट में एक पिवट टेबल बना लिया हमारे पिवट टेबल में एक ही कॉलम नजर आ रहा है लेकिन हम इस पिवट टेबल में एक से ज्यादा कॉलम्स को भी शो करवा सकते हैं इस मकसद के लिए हमें कॉलम लेबल्स को ऐड करना होगा पिवट टेबल फील्ड लिस्ट में से एक फील्ड को चेक करेंगे ये देखें पिवट टेबल में एक और कॉलम नजर आना शुरू हो गया यूजिंग ए पिवर्ट चार्ट पिवट चार्ट एक रेगुलर चार्ट की तरह ही होता है लेकिन ये सिर्फ पिवट टेबल से ही डाटा दिखाता है बाकी चार्ट्स की तरह आप पिवट चार्ट की टाइप लेआउट और स्टाइल तब्दील कर सकते हैं इस मिसाल में हम एक पिवट चार्ट शो करेंगे ताकि हमें हर सेल्स रीजन के ट्रेंड या रुझान का पता चल सके पिवट टेबल से एक कॉलम मुंतखब करें ऑप्शन टैब से पिवट चार्ट को सिलेक्ट करें इंसर्ट चार्ट के डायलॉग बॉक्स से अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक चार्ट टाइप सेलेक्ट करें और ओके OK क्लिक करें वर्कशीट में एक पिवट चार्ट बन गया है आप इसको ड्रैग करके कहीं भी मूव कर सकते हैं आप अपने पिवट टेबल में जो भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली पिवट चार्ट में भी हो जाएंगी और इस तरह पिवट चार्ट भी अपडेट हो जाएगा